काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी बुधवारी गुजरातच्या सोमनाथ मंदिरात जाऊन सोरटी सोमनाथाचं दर्शन घेतलं, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटलंय. नेमका काय आहे हा वाद, पाहूया हा रिपोर्ट. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा ज्वर शिगेला पोहोचलाय. प्रचार सभांचा धडाका सुरू झालाय. विविध समाज घटकांना आकर्षित करण्याकरता नवनवीन पैत्रे आजमावले जात आहेत. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी विविध मंदिरांना भेटी देण्याचा सपाटाच लावलाय. राहुल गांधींच्या या टेम्पल रनवर सत्ताधारी भाजपनं टीका सुरू केलेली असतानाच आता नवा वाद पेटलाय. बुधवारी राहुल गांधींनी सोमनाथ मंदिरात जाऊन सोरटी सोमनाथाचं दर्शन घेतलं, पण बिगर हिंदू म्हणून. नियमानुसार बिगर हिंदूंना सोमनाथाचं दर्शन घ्यायचं झाल्यास आधी मंदिर विश्वस्तांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. सोमनाथ मंदिरातल्या बिगर हिंदूंच्या रजिस्टरमध्ये राहुल गांधींच्या नावाची नोंद असून त्यांच्या नावापुढे ते पारशी असल्याचा उल्लेख करण्यात आलाय. त्यावरून राहुल गांधी बिगर हिंदू असल्याचा मुद्दा गाजू लागलाय. टेम्पल की प्रथा है, वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है. आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे. राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहां से विदाई लिया है. ये जो रूल्स है, सोमनाथ मुख्य ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम हिंदुओं का पवित्र यात्रा धाम है, और उसमें प्रवेश करने से पहले जो भी बिन हिंदू होता है उनको मंदिर ट्रस्ट के जनरल मैनेजर की ऑफिस में एक जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करनी पड़ती है. इसी तरह से राहुल गांधी ने भी एंट्री की है बिन हिंदू के तौर पर, और अहमद पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता, सोनिया गांधी के राजकीय सलाहकार, उन्होंने भी मंदिर परिसर में जो रजिस्टर रखा गया है जनरल मैनेजर की ऑफिस में, वहाँ बिन हिंदू के तौर पर एंट्री कर उसके बाद दर्शन की है. कहीं ना कहीं ये मामला गुजरात के इलेक्शन में मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपने दौरों के दौरान मंदिर का दौरा कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी को इसी मुद्दे पर टारगेट कर रहे हैं. या निमित्तानं नेहरू गांधी घराण्यावर टीका करण्यात आघाडीवर असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामींनी राहुल गांधींना खुला आव्हान दिलंय. मैंने उसी समय कहा आप लोगों को कि उससे पूछो कि हिंदू है कि नहीं. वो कह नहीं सकता मैं हिंदू, क्योंकि लिखित में वो कैथोलिक है. आज मैं हिंदू बन गया हूँ, मैंने कैथोलिक धर्म छोड़ दिया, ऐसे कहेंगे तो फिर हम विश्वास कर लेंगे, परंतु कह भी नहीं सकते क्योंकि वैटिकन इस पर बुरी नज़र से देखेगी और फिर परिणाम हो गए उसके. दरम्यान गुजरातची निवडणूक हरणार असल्यामुळे रजिस्टरमध्ये खोटी नोंद करून हा वाद सुरू करण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसनं केलाय. जब इनकी हालत खराब होती है, इनको कुछ और सूझता नहीं है. हमने ट्वीट किया था कि मकान कितने बने गरीब आदमी के, जो आपने वायदा किया था, और ये एक नकली कहीं रजिस्टर लेके आए. तो इनकी जो वैचारिक दिवालियापन है उसका ये, और जो इनकी जो जिस प्रकार की रणनीति रहती है चुनाव में, भाजपा की गुजरात चुनाव के अंदर जो रणनीति रहती है, कोई आज को नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है, आप और हम अच्छे से जानते हैं इस बात को. देवाच्या मंदिरात खरंतर सगळेच सारखे असतात, पण राजकीय स्वार्थासाठी हिंदू आणि बिगर हिंदू असा भेदाभेद करणं योग्य आहे का, असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया.